हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाएंगे सूजी की खीर। कभी हमें मीठा खाने का मन हो जाए या फिर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए और हमें मीठा सर्व करना है तो ये सूजी की खीर परफेक्ट रेसिपी है। सिर्फ 10 मिनट में ये बन जाती है। तो चलिए सूजी की खीर बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। 1/2 लीटर दूध, 3 टेबलस्पून बारीक वाला सूजी, 2 टेबलस्पून घी, थोड़े से केसर को मैंने पानी में भिगो के रखा है, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे केसर और ड्राई फ्रूट्स लेना ऑप्शनल है। बिना केसर और ड्राई फ्रूट्स के भी ये खीर बहुत ही डिलीशियस बनती है। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। तो चलिए बना लेते हैं सूजी की खीर। एक पैन लिए, फ्लेम ऑन किए, घी डालेंगे, सूजी ऐड कर देंगे और अभी ये सूजी को स्लो फ्लेम पे हम हिलाते हिलाते सेक लेंगे। कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है और इसकी सिकने की बहुत ही अच्छी अरोमा भी आ रही है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट रोस्ट करके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्लेम ऑफ कर लेंगे, सूजी को नीचे ले लेंगे, थोड़ा सा हिला करेंगे क्योंकि अभी हमारा पैन गर्म है और फिर खीर बनाने की आगे की प्रोसेस देख लेंगे। एक पैन लिए, फ्लेम ऑन किया, दूध ले लिए और अभी ये दूध में बॉयल आए तक वेट करेंगे। दूध में बॉयल आ गए, रोस्ट की हुई सूजी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे, सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। इलायची का पाउडर डालेंगे, केसर डालेंगे और अभी इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हिलाते रहेंगे। 3 मिनट तक मैंने खीर को अच्छे से कुक कर लिया है। शुगर डालेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताते वक्त शुगर का मेजरमेंट या शुगर बताने को रह गया था। 4 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है। शुगर मेल्ट हो तब तक वेट करेंगे। देख सकते हैं हमारी खीर काफ़ी थिक हो गई है। शुगर मेल्ट हो गई है और हमारी खीर रेडी हो गई है। अभी इसको नीचे ले लेंगे, ठंडा करेंगे और थोड़ी देर फ्रिज में रख के बाद में सर्व करेंगे। हमारी खीर को सर्विंग प्लेट में ले लिए, थोड़े से नट्स डालेंगे, तो रेडी है हमारी सूजी की खीर। तो फ्रेंड्स, एकदम हेल्दी, क्रीमी और डिलीशियस ऐसी हमारी सूजी की खीर प्रिपेयर हो गई है। ये खीर में मैंने स्वीटनेस के लिए शुगर डाली है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा गुलकंद और थोड़ी शुगर डाल सकते हैं। गुलकंद से ये खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और अगर आप चाहें तो इसमें खड़ी शक्कर, जिसको धागे वाली शक्कर कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्रीमी ऐसी सूजी की खीर आप भी जरूर बनाना, आपके रिव्यूज मुझे जरूर बताना और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।